Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icon. Never miss any new updates. हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2014 में पूरे देश में मोदी लहर ऐसी चली कि बैसाखियों के सहारे चलने वाली पार्टी ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर पार्टी ने दिखा दिया कि भाजपा सरकार वो सरकार नहीं रही जो गठबंधन करके बैसाखियों के सहारे चला करती थी। अभी विधानसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में टिकट के दावेदारों की लिस्ट भी दिन पे दिन लंबी होती जा रही है। वही मुख्यमंत्री पिछले दिनों पन्ना प्रमुख को धन्यवाद देने के लिए जो रैलियां कर रहे थे उसमें मौजूदा विधायकों को टिकट कटने का इशारा भी कर गए। इशारा होते ही मौजूदा विधायकों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। ऐसे में अब उन्हें अपनी टिकट का खतरा सताने लगा है। पानीपत शहरी विधानसभा की बात की जाए तो भाजपा का एक नेता और उद्योगपति पार्टी की टिकट लेने के लिए दिल्ली से लेकर गुजरात तक लोबिंग कर रहा है, क्योंकि हरियाणा के नेताओं से नेताजी को टिकट मिलने की उम्मीद कम हो गई है। ऐसे में वो केंद्र के बड़े नेताओं के साथ संपर्क साध रहे हैं। लोकल नेताओं में नेताजी की छवि इतनी खराब है कि हाईकमान को उसकी कारगुजारियों की लिस्ट भेज दी गई है। बड़े नेताओं ने अपने स्तर पर भी जानकारी जुटाई तो लोकल नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप ठीक निकले। अब नेताजी को टिकट हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। नेताजी दूसरी पार्टी के संपर्क में हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से नेताजी की मुलाकात भी हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं से नेताजी नजदीकियां बढ़ा रही हैं, लेकिन अभी तक खुलकर सामने इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। नेताजी दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रहे हैं क्योंकि चुनाव तो हर हाल में नेताजी को लड़ना है, चाहे पार्टी कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। भाजपा पार्टी में रहकर नेताजी ने अपना खुद का वोट बैंक बना लिया है, इसीलिए नेताजी अपने समर्थकों के सहारे चुनाव जीतने का मन बना रहे हैं। वहीं बुल्ले शाह भी आजकल सक्रिय नहीं दिख रहे, कारण है इनकी पार्टी में फूट है। जब तक क्लियर नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में किस चेहरे को आगे करती है तब तक बुल्ले शाह भी अपने पत्ते नहीं खोलते। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि पानीपत में कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं और लगातार भाजपा के नेताओं के संपर्क में हैं और पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शहरी विधानसभा में किस उम्मीदवार की लॉटरी लगती है। वो सो पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।